हेलो फ्रेंड्स, आज हम छोले भटूरे बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोले भटूरे बनाना। यहाँ पे हमने लिया है एक पाव मैदा। इसमें सबसे पहले 1 टेबल स्पून हम जो है रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। हाफ चम्मच यहाँ पे हम जो है हाफ स्पून डालेंगे नमक, और लगभग 1/4 छोटा चम्मच सोडा, और 100 ग्राम दही। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, आटे की तरह गूंदेंगे सॉफ्ट करके। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदते रहेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट करना है इसे गूंद के हमने। अभी हमारा गुन चुका है। अब इसको जो है गर्मियों में 7 से 8 घंटे के लिए रख लेते हैं, और सर्दियों में हमें लगभग 10 घंटे तक इसे रखना होता है। गर्मियों में तो हम नॉर्मल वाटर से इसे गूंदेंगे, और अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं भटूरे तो उसके लिए आप गुनगुने पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे 7 से 8 घंटे के लिए ढक कर रख देते हैं। अब ये आटा हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। 5-6 घंटे बाद देखिए कितना फूल गया आटा, जस्ट डबल हो जाता है ये। तो अब हम इसके बनाएंगे भटूरे। थोड़ा सा हम पेड़ा लेंगे, जैसे भटूरों को हम बनाते ही हैं। साइज़ अपने अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। घर में बनाना है आप छोटा भी ले सकते हैं, जैसे बच्चे कई बार बड़ा नहीं खाते। अब इसे गोल शेप में हम जो है बेलते रहेंगे, जैसे भटूरों की शेप होती ही हमारी। तो ये हमारा भटूरा जो है इस टाइप से ही हमने इसको बनाना है। अब इसे जो है गर्म रिफाइंड ऑयल में हम फ्राई करेंगे। रिफाइंड ऑयल एकदम गर्म होना चाहिए, तभी ये हमारा भटूरा जो एकदम फूल के आता है। देखिए कितना बढ़िया फूल के आया है। अब इसे पलट देंगे तीरे से। दोनों तरफ से हमने सेकना है, फिर इसे निकाल लेंगे। छोले भटूरे हमारे रेडी हैं। देखिए कितने फूले फूले आए हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं घर के, क्योंकि ये मेन हमारा जो है बिल्कुल हाइजेनिक है, बिल्कुल हमने साफ़ सुथरे हाथों से बनाया है। और छोलों का लिंक, इसको हम छोले के साथ सर्व करेंगे। छोले का लिंक मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर दूँगी, वीडियो में ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सिरके वाले अनियन है, धनिया पुदीने और कर्ड की यहाँ पे चटनी है, सबका लिंक मैं शेयर कर दूँगी। और आप इसे गरम गरम बनाइएगा, खिलाइएगा। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।